मैं तात्या टोपे बोल रहा हूं। मेरा वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवलकर है। मैं वही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे हूं जिसने 150 से अधिक मोर्चों पर अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। मैं वही हूं जो मराठा सेनानायकों की कुशल युद्ध नीति में अत्यंत सिद्ध होने के साथ साथ शिवाजी महाराज की गुरिला युद्ध नीति का अप्रतिम सेनानी था। मैं वही तात्या टोपे हूं जिसने 1857 की क्रांति में एक अहम भूमिका निभाई थी। मैं वही तात्या टोपे हूं जिसे पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 10,000 रुपए इनाम की घोषणा की थी। मैं वही हूं जिसकी मौत होने के बाद भी आज मेरी मृत्यु को लेकर लोगों ने 2 किंवदंतियां बनाई हुई हैं। आज मैं सबसे पहले आपको मेरे जन्म और बचपन के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार मैंने नाना साहेब की सेना में एक उच्च पद पर स्थान प्राप्त किया, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने अंग्रेजों को 150 से अधिक मोर्चों पर धूल चटाई, और अंत में आपको मेरी मृत्यु को लेकर जो 2 किंवदंतियां बनी हुई हैं उनसे भी आपका परिचय कराऊंगा, और मेरी मृत्यु का सत्य क्या है वह आपके सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करूंगा। इसी बीच आपको मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा नाम तो रामचंद्र पांडुरंग था, फिर मेरा नाम तात्या टोपे कैसे पड़ा। मेरा जन्म सन 1814 में नासिक के निकट पटोदा जिले के येवला नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। मेरे पिता का नाम पांडुरंग पंत और माता का नाम रुक्मणी बाई था। हम कुल 8 भाई बहन थे जिनमें मैं सबसे बड़ा था। अंग्रेजों ने भारत में अपना साम्राज्य फैलाने के मकसद से उस समय के कई राजाओं से उनके राज्य छीन लिए थे। अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय से भी उनका राज्य छीनने की कोशिश की, लेकिन पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने की जगह उनसे युद्ध लड़ना उचित समझा, लेकिन इस युद्ध में पेशवा की हार हुई और अंग्रेजों ने उनसे उनका राज्य छीन लिया। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें कानपुर के बिठुर गांव में भेज दिया गया। 1818 ईस्वी में हुए इस युद्ध में हार के बाद बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों द्वारा हर साल 8,00,000 रुपए पेंशन के तौर पर मिला करते थे। वहीं बिठुर में जाकर बाजीराव द्वितीय रहने लगे। वहीं मेरे पिता भी अपने पूरे परिवार सहित बाजीराव द्वितीय के साथ बिठुर में जाकर रहने लगे। जिस वक्त पिता हमें बिठुर लेकर गए थे उस समय मेरी आयु महज 4 वर्ष की थी। मेरे पिता पेशवा बाजीराव के यहाँ काम करते थे। वहां वे पेशवा बाजीराव के गर्भ सभा के कार्य को भी संभालते थे। वे पेशवा बाजीराव के काफी खास लोगों में से एक थे। समय समय पर मैं भी अपने पिता के साथ पेशवा के दरबार में जाया करता था। वहां मैं अपने पिता के साथ चुपचाप खड़े रहता था। पेशवा बाजीराव भी मुझे देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते थे। बिठुर गांव में ही मैंने युद्ध करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। मेरे संबंध पेशवा बाजीराव के पुत्र नाना साहब के साथ काफी घनिष्ठ रहे और हम दोनों ने एक साथ शिक्षा भी ग्रहण की थी। मैंने शस्त्रों की शिक्षा नाना साहिब और स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के साथ ली थी। एक बार धनुष बाण की एक परीक्षा में हम तीनों और अन्य शाही बच्चों बालाजीराव और बाला भट्ट को 5 तीर दिए गए, जिनमें से बाबा भट्ट और बाला साहिब ने 2 बार, नाना साहिब ने 3 बार, लक्ष्मीबाई ने 4 बार, जबकि मैंने 5ों तीरों को निशाने पर मारा था। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा नाम तो रामचंद्र पांडुरंग था, फिर तात्या टोपे कैसे पड़ा। एक बार की बात है, मैंने अपने राज्य के एक भ्रष्टाचार कर्मचारी को पकड़ा। मेरे इस वीरतापूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर बाजीराव पेशवा ने मुझे एक अत्यंत मूल्यवान टोपी पुरस्कार के रूप में भेंट की। इस टोपी में 9 हीरे और कई अन्य मूल्यवान रत्न गुथे हुए थे। इस टोपी को मैंने अंत तक अपने साथ ही रखा। मेरा उपनाम तात्या तथा टोपी यहीं से प्रचलित बन गया था। अब सभी मुझे इसी नाम से पुकारते थे। टोपे तो टोपी का ही बदला हुआ रूप था, जबकि तात्या का मराठी अर्थ होता है स्नेह। पेशवा की मृत्यु के बाद नाना साहब को बिठुर का राजा घोषित कर दिया गया। वे अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे तथा अपने मनोभाव पर नियंत्रण रखना जानते थे। अपने पिता के सौंपे गए दायित्व को उन्होंने जल्द ही बड़ी कुशलता से संभाल लिया। मैं उस समय तक उनका लिपिक ही था। बचपन का साथ तो पहले से ही था, अब विचार और व्यवहार की समानता ने हम दोनों की मित्रता को और भी घनिष्ठ रंग दे दिया। नाना साहब प्रत्येक कार्य में मेरी सलाह लेने लगे और नाना साहब का हर तरह से हित सोचना मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया।
सन 1857 का प्रारंभिक काल था। गंगा के तट पर बसा कानपुर प्रथम श्रेणी की सैनिक छावनी तो पहले से ही था। अवध के ब्रिटिश शासन में मिल जाने के बाद इसका महत्व और अधिक बढ़ गया था। इस नगर की रक्षा में तैनात थी पहली 53वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री, द्वितीय घुड़सवार सेना और तीसरी आर्टिलरी बंदूकधारी सेना की एक एक कंपनी। देशी सेना में कुल मिलाकर लगभग 3000 सैनिक थे, जबकि यूरोपीय आर्टिलरी में केवल 64 व्यक्ति व 6 तोपे थे। इनके कमांडर ऑफिसर थे मेजर जनरल सर ह्यू व्हीलर। उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ था 50 वर्षों का सेना की सेवा का अनुभव और गौरव भी। इधर जब लोगों का अविश्वास बहुत बढ़ता गया तो अंग्रेजों ने नाना साहब से सहायता की प्रार्थना की। नाना साहब, मुझे साथ लेकर 300 सैनिकों की टुकड़ी एवं 2 तोपों के साथ तुरंत कानपुर पहुंचे। नवाबगंज स्थित खजाने की रक्षा करने में हमने अंग्रेजों की सहायता की, साथ ही भड़के हुए देशी सिपाहियों को शांत करने का पूरा पूरा प्रयास किया, जबकि वास्तविकता ये थी कि नाना साहब और मैं भीतर से इस विद्रोह के समर्थक ही थे। हमें प्रतीक्षा थी तो केवल उपयुक्त अवसर की। यह पूरी घटना 22 मई 1857 की है। जल्दी हमें इस काम में कई लोगों का सहयोग प्राप्त हो गया। बंगाल आर्मी के कुछ अनुभवी अधिकारी, जिनमें सूबेदार टीका सिंह जो तब जनरल बना दिए गए थे, दुर्जन सिंह, गंगा दीन जो कि तत्कालीन कर्नल थे, नाना साहब की निजी सेना के कमांडर ज्वाला प्रसाद आदि भी शामिल थे। इन सबके अतिरिक्त अनेक स्थानीय जमींदारों के सशस्त्र रक्षक व अवध के सैनिकों की नादरी और अख्तरी रेजिमेंट भी हमारे साथ थी। अब मैंने 1857 में नाना साहेब रानी लक्ष्मीबाई के साथ अवध के नवाब और मुगल शासकों ने बुंदेलखंड में ब्रिटिश शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसका असर दक्षिण भारतीय राज्यों तक भी पहुंच गया। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के शुरुआती दिनों में मेरी योजना काफी कामयाब रही। दिल्ली में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद लखनऊ, झांसी और ग्वालियर जैसे साम्राज्य 1858 में स्वतंत्र हो गए थे। हालांकि झांसी की रानी को बाद में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा दिल्ली, कानपुर, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, बाराबांकी और गोंडा जैसे इलाके भी अंग्रेजों से पूरी तरह से मुक्त हो गए थे। मैंने नाना साहब की सेना को पूरी तरह संभाला था। इसमें सैनिकों की नियुक्ति, उनका वेतन, प्रशासन और उनकी योजना सब मैं ही देखता था। ब्रिटिश सैनिकों ने जब झांसी पर कब्जा किया तो उन्होंने झांसी के चारों तरफ घेरा डाल दिया। ऐसे में झांसी को बचाना जरूरी था। पेशवा ने मुझे यह अहम जिम्मेदारी सौंपी। ये मेरे जीवन की सबसे अहम घटना थी। कानपुर के नजदीक कल्पी से मैं अपनी सेना के साथ तेजी से झांसी की ओर बढ़ रहा था। उनके शस्त्रों पर भी ब्रिटिशों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस युद्ध में झांसी के लोग बेहद उत्साहित हो गए थे। जब हम झांसी को बचाने में नाकाम रहे, तब रानी लक्ष्मीबाई के पास झांसी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प बचा ही नहीं था। हम लोग ब्रिटिश सेना को चकमा देते हुए कल्पी की ओर आगे बढ़े। कल्पी में भी झांसी की रानी और मेरी ब्रिटिश सैनिकों से भिड़ंत हुई, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद हमने सेना ग्वालियर की ओर बढ़ा दी। जब ग्वालियर की सेना हार गई तो ग्वालियर के राजा ने धौलपुर के रास्ते आगरा जाकर शरण ली। ग्वालियर की सारी शाही संपत्ति पर कब्जा जमा कर हमने उसे सैनिकों का वेतन दे दिया और उसके बाद अंग्रेजों से ग्वालियर की सुरक्षा करने का काम शुरू किया। जब ब्रिटिश सैनिकों को पता चला कि रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में है, तब वे ग्वालियर की ओर बढ़े। 18 जून 1858 को ब्रिटिश सैनिक ग्वालियर के नजदीक पहुंच गए। यहां पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से सीधे युद्ध में लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान की खबर के बाद युद्ध के मैदान का दृश्य बदल गया। ग्वालियर पर पेशवाओं की जीत क्षणिक साबित हुई। नाना साहेब के भतीजे राव साहेब, मैं और बांदा के नवाब अली बहादुर सब ग्वालियर से लापता हो गए। इससे पहले 10 जून को रानी लक्ष्मीबाई और अली बहादुर को पकड़ने पर ब्रिटिश सेना ने 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी। रानी लक्ष्मीबाई के निधन के बाद मुझे और राव साहेब को भी पकड़ने पर 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा कर दी गई थी। राव साहब ने आत्मसमर्पण की पेशकश की, लेकिन ब्रिटिश अधिकारी ने उन्हें ब्रिटिशों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने की स्थिति में किसी तरह की रियायत देने से मना कर दिया। ऐसी स्थिति में उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। अली बहादुर ने ब्रिटिशों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें इंदौर में पेंशन के साथ भेजा गया, लेकिन मैंने और राव साहब ने संघर्ष जारी रखा। ग्वालियर से निकलने के बाद मैं चालाकी से बचता रहा।
ग्वालियर से निकलने पर मैं मथुरा गया और उसके बाद राजस्थान पहुंचा, फिर पश्चिम की ओर गया, वहां से दक्षिण की ओर। मैं अपने यात्राओं की दिशा बदलता रहा। टोंक जिले से सवाई माधोपुर जाने के बाद मैं पश्चिम में बूंदी चला गया, वहां से भीलवाड़ा गंगापुर गया, फिर वहां से वापसी करते हुए मध्य प्रदेश झालार पाटन पहुंचा। मैं कई दिनों तक लगातार यात्रा करता रहा। मैं और राव साहब इस बीच आदिवासी लोगों के बीच में रहे। हम लगातार कोशिश करते रहे कि ब्रिटिशों के प्रति संघर्ष बंद न हो। राव साहब जम्मू के नजदीक थे, तब भीमराव नाम के एक आदमी ने ब्रिटिशों को उनकी सूचना दे दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी अंग्रेजों को पराजित करने और पराजित होने का लंबा सिलसिला चलता रहा। मैंने अपने जीवन काल में अंग्रेजों अधिकारियों को कभी चैन से नहीं सोने दिया। झांसी की रानी की मृत्यु के बाद तो ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी सारी शक्ति मुझे पकड़ने में लगा दी। स्थानीय राजाओं का सहयोग मेरे साथ था। जब अंग्रेज किसी तरह से मुझे पकड़ न सके तो उन्होंने कूटनीति से काम लेते हुए मेरे के मित्र मान सिंह को नरवर राज्य दिलाने का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया, यानी एक विश्वासघाती को तैयार कर लिया गया। अंततः 7 अप्रैल 1859 को जिस समय मैं अपने मित्र मान सिंह द्वारा बताए गए सुरक्षित स्थान पर विश्राम कर रहा था, तभी अंग्रेजी सेना ने आधी रात के समय मुझे गिरफ्तार कर लिया। जो तात्या टोपे अंग्रेजों की पहुंच से दूर था, उसे आज अपने ही एक मित्र के विश्वासघात ने अंग्रेजों का बंदी बना दिया था। कड़े पहरे के बीच मुझे शिवपुरी में जनरल की छावनी में लाया गया, जहां मुझ पर ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध युद्ध करने तथा कई अंग्रेजी अधिकारी को मौत के घाट उतारने का दोषी बताते हुए मुकदमा चलाया गया और आखिर में फांसी का हुक्म सुना दिया गया। देशवासियों को मेरे पकड़े जाने के समाचार पर विश्वास नहीं हुआ। भारत माता के इस जाबाज सपूत की एक झलक पाने के लिए लोग उमड़ने लगे। इस अपार जन समूह को संभाल पाना अंग्रेजों के लिए मुश्किल हो रहा था। मेरी मृत्यु को लेकर आज भी दो किंवदंति बनी हुई है, जिनमें पहली ये कि 18 अप्रैल 1859 को साय 4 बजे भारत माता के इस वीर सपूत को फांसी के तख्ते के पास लाया गया। जब उनका चेहरा ढकने के लिए उन्हें टोप पहनाया जाने लगा तो उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, मैं अपनी मौत को आमने सामने देखने के लिए तैयार हूं, और फिर फांसी का फंदा स्वयं अपने गले में डाल लिया। इधर जल्लाद ने हत्था खींचा और उधर मेरा निर्जीव देह रस्सी के सहारे हवा में झूल गया। मेरे शरीर को सुबह से लेकर शाम तक फंदे पर ही लटकाए रखा गया। उनकी फांसी हुई थी, इसका प्रमाण यहां से मिलता है कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में निवासरत वीर तात्या टोपे के वंशज सुभाष टोपे के विचार अनुसार, ये कहना कि वीर तात्या की जगह किसी और ने फांसी स्वीकार की या उनके महानतम बलिदान को कलंकित करना है। तात्या जी के बलिदान के बाद आंदोलन बिखर जाना और अंग्रेजों द्वारा क्रांति के पूर्णतः दमन कर देना इस बात का प्रमाण है कि तात्या वीरगति को प्राप्त हुए। उनके जीवित रहने पर वो पुनः संघर्ष करते और अपने वीर साथियों की मृत्यु का अंग्रेजों से अवश्य बदला लेते। ऐसा ही गलत इतिहास मध्य प्रदेश शासन के बोर्ड पाठ्यक्रम में पढ़ा जा रहा था और आर्यव्रत सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन शर्मा ने पहल कर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय श्री राम नरेश यादव जी द्वारा शोध कर इतिहास का सुधार कर एक पुस्तिका का प्रकाशन किया, जिसके आधार पर उन्होंने राज्य शासन की पुस्तक में से विवादित पाठ को सही कराया। इसमें वीर तात्या के बलिदान की पुष्टि की गई। प्रतिभा रानाडे ने अपनी किताब में लिखा है कि जिस पत्थर पर तात्या टोपे को फांसी दी गई, उस पर अंग्रेजों ने लिखवाया, यहां 18 अप्रैल 1859 को कुख्यात तात्या टोपे को फांसी दी गई। लेकिन अंग्रेज अधिकारी ऑटरम सहित कई लोगों का मानना था कि जिस आदमी को फांसी दी गई वो तात्या टोपे नहीं है। यह भी कहा गया कि जिसे फांसी दी गई वह बड़ौदा का भाऊ तांबेकर है। दरअसल तात्या टोपे के चलते कई लोगों को फांसी दी गई थी, वो कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं लगे थे और उन्होंने अपने अंतिम सांस गुजरात राज्य में साल 1909 में ली थी। दोस्तों, सच जो भी हो, लेकिन 1857 से 1859 के बीच तात्या टोपे ने अपने असाधारण बहादुरी से अंग्रेजों के पसीने छुड़ा दिए थे। अपने लगभग 2 वर्ष के क्रांतिकाल में 150 मोर्चे पर लोहा लेने वाले इस अमर सेनानी की स्मृति प्रत्येक भारतीय के मन मस्तिष्क में सदैव बनी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे की वीर गाथा। ये शायद आपको अपने सिलेबस में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी किताबें नहीं लिखी जाएंगी, इनके ऊपर फिल्में भी बहुत कम बनती हैं। क्या आप भी मानते कि इस वीर स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर भी फिल्में बननी चाहिए, इनके ऊपर सीरियल बनने चाहिए, इनके ऊपर किताबें और सिलेबस में इनके ऊपर पाठ लिखे जाने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी और युवा पीढ़ी इनकी वास्तविकता को जान सके और समझ सके कि हमारे पूर्वजों ने इस स्वतंत्रता के लिए कितने संघर्ष के साथ अपने जीवन को बलिदान किया है। आज की वीडियो में
बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।